नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चामला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। पिछली बार आपने बताया था कि महाराज दशरथ एवं माता कैकेयी से मिलने के बाद राम और लक्ष्मण दोनों ने माता कौशल्या से मिलने के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ उससे जानने से पहले आप थोड़ा सा माता कौशल्या के जीवन और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताइए। जी, माता कौशल्या के बारे में हम बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते जी, लेकिन जितना जानते हैं उससे ये समझ में आता है कि वो एक बहुत विद्वान विदुषी महिला थी। वो महाराज दशरथ की पहली पत्नी थी जी। इसलिए कह सकते हैं ज्येष्ठ पत्नी थी। लेकिन वो उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख झेला था। तुम एक स्त्री होने के नाते कल्पना कर सकती हो कि एक कन्या, एक लड़की पति के पास पहली आती है, विवाह होके आती है और उसके बाद उसका पति एक के बाद एक विवाह करते जाता है, सौतें आती जाती हैं। कहीं ना कहीं हर सौत के साथ माता कौशल्या ने कुछ ना कुछ पीड़ा, दुख भोगा। यह जो पीड़ा है एक स्त्री की, जबकि वो अपने पति को दूर जाता देखती है, अन्य स्त्रियों के बंधन में बंधता देखती है जी। ये बहुत पीड़ादायक है और कहीं ना कहीं माता कौशल्या के अंदर अपनी सारे विद्वत ज्ञान के बावजूद कहीं ना कहीं पीड़ा थी, कष्ट थे और इन सब कष्टों और इनके साथ वो धीरे धीरे बहुत एकाकी हो गई थी, अकेली हो गई थी और इसके कारण कहें या वैसे कहें वो अपना पूरा समय पूजा पाठ, मंत्रों का पाठ करना, मंत्रों का जाप करना, देवताओं को तर्पण करना, इस सब इस तरह के अनुष्ठानों में पूरी तरह अपने आप को डुबोए रहती। पूरी वाल्मीकि रामायण में जी। राम ने कहीं पूजा की हो ऐसा उल्लेख नहीं आता, लेकिन माता कौशल्या लगातार यही करती थी और उनकी जो व्यक्तित्व है उसको समझने के लिए दोनों भाव समझने होंगे या तीन भाव कह सकते हैं। पहला उनकी विद्वता जी। दूसरा उनके अंदर जो कष्ट थे और तीसरा ये जो वो पूजा पाठ करती थी। इस तरह करके उनका व्यक्तित्व था। अब माता कौशल्या जो है वो तो अनजान थी, उनको जानकारी नहीं थी कि राम जी के साथ क्या हुआ है। अब जब राम और लक्ष्मण पहुंचे तो वो किस प्रकार से मिली और राम जी ने उनको कैसे बताया ये सब जो घटनाक्रम था उसके बारे में? मैंने आपको बताया कि माता कौशल्या पूजा पाठ करती थी। दिन बहुत महत्वपूर्ण था, उनके पुत्र का राज्याभिषेक होने वाला था तो सुबह से उन्होंने बड़ी तैयारी कर रखी थी, देवताओं को तर्पण करने के लिए, ब्राह्मणों को भोग लगाने के लिए, यज्ञ करने के लिए, अपना सारी एक सुबह से वो अपने कार्यक्रमों में लगी थी। राम और लक्ष्मण जाके जब खड़े हुए तो वो अपना पूजा की लिए तैयार होके, एक सफ़ेद साड़ी पहन के वो अपने मनोयोग से पूरी तरह देवताओं को तर्पण करने में लगी थी, तर्पण अंतिम कर रही थी। वो उन्होंने देखा भी नहीं कि राम लक्ष्मण आ गए। फिर जब वो करके हटी तो उन्होंने राम लक्ष्मण को देखा तो एकदम प्रसन्न हो गई, एकदम उठी और जाके वो उन्होंने राम को गले लगा लिया और राम को गले लगा के बोली, उन्होंने आशीर्वाद दिया
कि तुम यशस्वी बहो बनो, तुम वृद्ध बनो, ध्यान रखें कि तुम वृद्ध हो, तुम राजर्षियों के समान आयु प्राप्त करो, कुल की परंपराओं का निर्वहन करो, यश प्राप्त करो, उन सब आशीर्वाद दिए। क्योंकि वो कि फिर उन्होंने कहा कि तुम आ गए, बहुत अच्छा किया, अब जल्दी जाओ अपने पिता के पास जाओ, आज तुम्हारा राज्याभिषेक करने वाले, पर एक काम करो यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ, और ये आसन है यहाँ बैठो, और मैं भोजन लगा रही हूँ, भोजन करके जाना। वो तो बड़े उत्साह में थी कि ये तो मेरा पुत्र आया है और राज्याभिषेक भी जाने के पहले मेरा आशीर्वाद लेने आया है, तो मैं इसको बस भोजन करा दूं और तब भेज दूं कि जल्दी से राज्याभिषेक करने चला जाए। अब राम उनका ये सब उत्साह देख के थोड़े हतप्रभ हो गए। जब उनको बात पलटनी थी तो उन्होंने वो जो अच्छा सा बहुत कीमती आसन था उसको जरा हाथ लगाया और कहा, माँ अब मैं इस आसन पर नहीं बैठूंगा, अब तो मुझे घास के आसन पे, कुश के आसन पे बैठना है। महाराज भरत का राज्याभिषेक कर रहे हैं और मैं 14 वर्ष के लिए वनवास को जा रहा हूं। माता ने सुना तो चकित रह गई, तो गिर गई, अपनी सुध-बुध खो बैठी, एकदम गिर पड़ी। अरे ये क्या हो गया, उनको कुछ समझ आने की बात ही नहीं थी। फिर भी जब वो गिर पड़ी तो राम ने उनको सहारा देके उठाया, उनके कपड़ों पे धूल लग गई थी, उसको जरा पोंछा और बिठाया, पर वो उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया, ये कैसी बात कर रहा है। उनके लिए तो जैसे पैरों तले जमीन सरक गई हो वाली बात हो गई। हाँ, अब जब वो होश में आई तो उनको उन्होंने फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, उन्होंने क्या कहा राम से? निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि ये कैसी बात कर रहे हैं, और कहा कि ये तो इतना बड़ा दुख तुमने मुझे दे दिया है, अगर मेरा पुत्र ना हुआ होता, मैं वंध्या होती तो मुझे केवल एक दुख होता, इस तरह दुख तो नहीं झेलने पड़ते, मैं कितनी अभागन हूं, लगातार मुझे दुख मिलते रहे हैं, मैंने एक के बाद अपनी सौतों को देखा है, इतनी सारी सौतों को, और हमेशा सौतों से तिरस्कृत हुई हूं, मुझे मेरे अपने पति का भी कभी ढंग से प्रेम नहीं मिला, और आज जब मैं सब आशा कर रही थी तो मेरी सौत का पुत्र बनेगा, वैसे ही इस घर में मेरा कोई सम्मान नहीं है। हालत यह है कि वो कैकेयी का पुत्र आता है तो मेरे नौकर चाकर भी उनकी बोलती बंद हो जाती है, घबरा जाते हैं, अब वो मेरे सौत का पुत्र जो है राजा बन जाएगा तो मैं तो इस घर में दासी बन जाऊंगी, मैं क्यों जी रही हूं, मुझे तो मर जाना चाहिए, मेरे लिए जीना किसी मतलब का ही नहीं रह गया है, प्रभु मुझे उठा क्यों नहीं लेते, मुझ जैसी अभागन के लिए तो शायद जमराज के घर में भी जगह नहीं है, इसीलिए जमराज भी मुझे उठाने नहीं आ रहे और इतना बड़ा दुख दे रहे हैं। मैंने कल्पना की थी इतने सालों से, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, 17 साल से मैं ये रोज दिन देखती थी कि एक दिन आएगा और मेरा बेटा राजा बनेगा, इतना गुणवान बेटा है, ज्येष्ठ है, वो बेटा मेरा राजा बनेगा तो शायद मुझे इस घर में कुछ सम्मान मिलेगा, मैं कुछ सुख के दिन देख लूंगी, और अब वो भी आशा मेरी धूमिल हो गई है, तुम भी जा रहे हो, अकेली मैं कैसे रहूंगी, मुझे तो प्रभु उठा ले, और अगर प्रभु नहीं उठा रहे, यमराज नहीं उठा रहे, तो ऐसा करो राम तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे नहीं रहना इस घर में, मुझे नहीं रहना ये सब, और अब मैंने बहुत दुख झेले, बस अब मैं वन में तुम्हारे साथ चलूंगी, वो जो दुख सहना है वो सहलूंगी, पर तो यहां नहीं रहूंगी, और ऐसे वो विलाप करने लगी, बिल्कुल रोने लगी, ऐसे पूरा
जैसे कि इतना बड़ा दुख आ गया है और वो झेल नहीं पा रहे। अब तक जो है हमने देखा कि लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा, ना तो वो माता कैकेयी और जब दशरथ जी के सामने थे वहाँ पे जब उन्होंने सुना तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, और अब ऐसा हो नहीं सकता कि लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं हो, कुछ तो कहा होगा उन्होंने भी। हाँ, अब जब उन्होंने अपनी बड़ी माँ को ऐसे विलाप करते देखा तो वो उनके अंदर भी क्रोध था जी। आक्रोश भरा हुआ था। उन्होंने कहा, बड़ी माँ आप सही कह रही हो, ये जो भैया वन को जा रहे हैं मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और महाराज वो तो बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े होने के बाद भी काम वासना में लिप्त हैं और उस कैकेयी के मोहजाल में फंसे हुए हैं, ऐसे पिता की बात मानना कुछ ठीक नहीं है और कोई डरने की बात ही नहीं है। राम से कहा, भैया आप जो हैं धनुष उठाएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और जो सामने आएगा हम उसे मार देंगे, कोई मोह नहीं करना है हमें, यहां तक कि यदि पिताजी भी सामने आ जाएंगे तो उनको या तो कैद में डाल देंगे या हम उनकी भी हत्या कर देंगे, भरत आएगा तो उसको भी मार देंगे, अयोध्या का कोई व्यक्ति सामने खड़ा हो जाए हम उसको खत्म कर देंगे, अयोध्या मनुष्यों से खाली होती है तो हो जाए पर मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा, और आज मेरे इस धनुष और मेरी इस तलवार और हमको जो अस्त्र शस्त्र महर्षि विश्वामित्र ने दिए हैं उन सब का समय आ गया, अब हम उनका प्रयोग करें और इस अन्याय का प्रतिकार करें। फिर माता कौशल्या का क्या प्रतिक्रिया थी ये सब लक्ष्मण जी को सुनने के बाद? मैंने तुम्हें कहा कि माता कौशल्या एक और तो विलाप करने वाली दुखियारी नारी थी जी। पर अंदर ही अंदर विदुषी भी थी जी। इतनी कठोर बात का जी। जो लक्ष्मण ने कही जी। उसका उन्होंने समर्थन तो नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा, राम तुमने लक्ष्मण की बात सुनी जी। इसको सुनने के बाद जो तुम्हें उचित लगे वो करो, अर्थात धर्मानुकूल क्या है निर्णय लेने का काम उन्होंने राम पे छोड़ दिया, खुद नहीं लिया। पर उन्होंने एक दूसरा तर्क दिया। देखिए मैंने कहा विदुषी थी जी। तर्क देने में बड़ी सक्षम थी जी। उन्होंने कहा, तुम पिता की बात मान के जा रहे हो जी। पर तुम ये कैसे भूल रहे हो कि माता सेवा भी परम धर्म है, उत्तम धर्म है। तुम्हें याद है ऋषि काश्यप ने अपनी माता की सेवा की थी और कितना उन्होंने उन्हें उच्च स्वर्ग प्राप्त हुआ था। माता की सेवा करनी तो चाहिए ही। मैं यहां दुखियारी हूं और तुम छोड़ के जा रहे हो, और वो भी मेरी सौत की अधर्म युक्त बात सुन के। ध्यान रहे कि पिता की आज्ञा नहीं थी जी, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। तुम मेरी सौत की बात सुन के मुझे दुखियारी छोड़ के जा रहे हो, ये क्या बात है? जैसे पिता पूज्य होते हैं वैसे ही माता भी पूज्य होती है, और ये कहीं उचित नहीं है जो तुम कर रहे हो। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं दूंगी, और यदि तुम जाओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी, और यदि मैंने प्राण त्याग दिए तो तुम माता की हत्या के दोषी होगे, और बिल्कुल वो माता की हत्या वैसी ही है जैसे ब्रह्म हत्या होती है, इतना बड़ा पाप तुम्हें उठाना पड़ेगा और तब तुम जाओगे, इसलिए सोच लो और ये मत करो, तुम यहीं रुको, जैसा भी होगा हम साथ में रहेंगे, तुम मेरी सेवा करना और हमारा गुजर हो जाएगा, पर वन में जाने का तुम्हें मैं स्पष्ट रूप से मना करती। तो
ये ऐसे कठिन कह सकते तर्क के बावजूद माता कौशल्या के, अब राम जी के लिए तो बड़ी असमंजस वाली बात होगी, तो क्या कहा? देखिए यही तो जो धर्म चर्चा इसमें से उभर के आती है जी। कि वो भी विदुषी हैं और राम भी धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म का तत्व समझते हैं जी। उन्होंने कहा माते मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, आपकी जो बात है जी। वो अपनी जगह सही है, लेकिन पुत्र के लिए पिता के वचन को निभाना यह परम धर्म कहा है। अब माता ने एक उदाहरण दिया था, इन्होंने तीन उदाहरण दिए। कहा कि वन में रहने वाले महान विद्वान मुनि एक हुए हैं कंडू, जिन्होंने पिता की आज्ञा से गोहत्या की थी। दूसरी ओर हमारे ही कुल में हमारे एक पूर्वज हुए हैं सगर, उन्होंने अपने पिता को आदेश दिया धरती को खोदने का, और वो धरती खोदते खोदते उनके पुत्र जो है उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और तीसरा उदाहरण दिया कि महान ऋषि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का गला काट दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। तो हमारा जो सनातन धर्म है उसमें पिता के वचन का पालन करना पुत्र का कर्तव्य है, पुत्र का धर्म है। आप मैं सीता लक्ष्मण हम सब पिता के अधीन हैं, पिता की वचन से बंधे हुए हैं, और यही परम धर्म। ये कहने के बाद, माता के तर्क का उत्तर देने के बाद, वो लक्ष्मण की ओर मुड़े। उन्होंने कहा लक्ष्मण मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, तुम्हारा मुझ में बहुत अनुराग है, तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, और तुमने जो बात कही क्षत्रिय साधारणता ऐसी ही बात करते, क्षात्र धर्म के अनुसार तुमने बात कही, लेकिन केवल क्षात्र धर्म को ध्यान में रखना और धर्म का पूरा हमें नहीं समझना ये गलत हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। पिता के वचन का पालन करना, पिता के धर्म का पालन करना पुत्र का धर्म है, और हम दोनों ही इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पिता के वचन का हम पालन करें। हमारे पिता हमारे गुरु भी हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमारे पिता वृद्ध हैं, यानी वो धर्म को बहुत समझते हैं, और वो अभी तक उनके किसी की और बात क्रियाकलाप से ऐसा नहीं लगता कि वो धर्म विरुद्ध चले गए हैं। कभी मान लीजिए पिता पूरी तरह भ्रष्ट हो गया हो तो बात अलग है, वो तो हमें अभी तक हमेशा धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनकी बात का उनके वचन को काट के उनके धर्म को उनकी प्रतिज्ञा को झूठा करके हम शास्त्र धर्म का पालन करें ये धर्मानुकूल बात नहीं है। इसलिए तुम्हारा जो मेरे प्रति अनुराग है उसको मैं समझता हूं, उसको मैं बहुत उसकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं तुमसे भी कहता हूं कि तुम मेरे साथ धर्म का के पालन में मेरी सहायता करो। अभी तक तुम्हारा जो उत्साह था मेरे राज्याभिषेक के प्रति, ठीक उतने ही उत्साह से मेरे वनगमन के मार्ग को प्रशस्त करना, मेरी सहायता करने में लग जाओ। तो ये तर्क सुनने के बाद माता कौशल्या राजी हो गई थी कि नहीं? माता इतनी आसानी से राजी तो नहीं होती ना, माता तो अभी भी दृढ़ थी। कहा नहीं ये सब बात नहीं है, है। तो फिर अब राम को और तर्क देना पड़ा। अब वो उन्होंने समझाया कि किसी भी कर्म में जब धर्म अर्थ काम तीनों का समावेश होता है
तभी वो शुभ होता है। अगर मैं राज्य की लालसा के लिए यानी अर्थ की लालसा के लिए धर्म को त्याग देता हूं तो इससे अहित होगा, इससे ना मेरा हित होगा ना आपका हित होगा ना किसी का हित होगा। हमेशा अर्थ और काम को धर्म के अधीन रहना है। मैं चाहे कुछ भी हो जाए धर्म को त्याग कर केवल राज्य की अभिलाषा करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और आपके लिए भी यही उपयुक्त है कि आप धर्म अर्थ काम के इस को जो आप अच्छी तरह समझती हो, धर्म के मार्ग का पालन करने में जो कठिनाई आ रही है उसको समझते हुए आप धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग को समझते हुए धर्म के मार्ग को चलते रहो। उन्होंने ये बहुत विस्तार में धर्म अर्थ काम की विवेचना की और उनसे आग्रह किया कि नहीं आप इस तरह का जिद ना करें। तो अब वे मान गई थी क्या? अभी भी नहीं मानी, फिर भी उन्होंने विलाप में थी, दुख में थी। अब राम ने और प्यार से समझाया, बोले माता मुझे ऐसा लगता है कि अचानक ये जो परिवर्तन हुआ ये इसमें दैव का हाथ है। दैव अर्थात होता है कि देवों की कुछ योजना है, ये देव इच्छा है। उन्होंने कहा जब भी कुछ ऐसी चीज जिसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया है, हम एक रास्ते जा रहे हैं और अचानक दूसरे रास्ते का में जाना पड़ता है, तो ये देव योजना होती है। बिना देव योजना के ऐसा हो ही नहीं सकता कि माता कैके जो इतनी विद्वान है, इतनी शूरवीर है, जिन्होंने जीवन में कभी अधर्म का काम नहीं किया, जिन्होंने जीवन में कभी अपने पति के विरुद्ध ऐसे नहीं बोला, वो इस तरह के कठोर शब्द बोलने लगे। जिस तरह की उन्होंने भाषा बोली है, जिस तरह का व्यवहार किया है, वो माता कैके कतई नहीं कर सकती। और ये जो दुख आया है इसे उन्होंने माता को समझाया कि माता आप समझो ये कोई देव योजना है, ये देवों की इच्छा है, देव विधान है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद नहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा कोई बहुत बड़ा अभ्युदय होने वाला है, कुछ मेरे लिए कुछ नई कुछ होने वाला है जिससे मुझे लाभ होगा। मैं वन में जाऊंगा तभी मेरा लाभ है क्योंकि देवों की इच्छा है। ये एक जो उन्होंने बात कही ये बहुत बड़ी जीवन में हमें समझने की बात है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज का लक्ष्य बना के चल रहे होते हैं और अचानक उस लक्ष्य से हमें लग रहा होता है कि हमें सफलता वहां मिल रही है और अचानक ट्रैक बदल दिया जाता है और हमें कहीं दूसरे रास्ते ले जाया जाता है। साधारण व्यक्ति इससे बहुत दुखी हो जाता है। और यहां पर राम कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा होता है तो ये समझो कि ये तुम्हारी इच्छा नहीं थी, ये देव इच्छा है। और उन्होंने कहा मेरे लिए भी ये देव इच्छा है। अब जब उन्होंने ये देव की बात कही तो माता कौशल्या थोड़ी सी शांत हुई, पर उन्होंने अब दूसरी बात कही कि तू कैसे जाएगा, तूने जिंदगी में इतने सुख देखे हैं, वन में रहेगा मेरे प्यारे बेटे, तू कैसे रहेगा? नहीं नहीं तू नहीं रह ही नहीं पाएगा, तू तेरे तो नौकर चाकर जैसा खाना खाते हैं, वो भी इतना सुस्वादी इतना शुद्ध घी का और इतने खाते हैं, और तू वन में रह के वन के कंदमूल खा के जिंदा रहेगा? ये नहीं हो सकता। तो फिर राम ने समझाया कि नहीं, मैं ऋषियों का शिष्य हूँ, उत्तम ऋषियों का शिष्य हूँ, मुझे वन में रहने में कोई तकलीफ नहीं। अब इन्होंने कहा नहीं, बोले नहीं 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 ऐसा नहीं, अब सुनो तुम्हें जाना है ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। बोले ठीक है तुमको जाने की मैं आज्ञा दे दूंगी पर मुझे भी ले चलो। अब वो इस जिद पे आ गई। तो फिर राम ने उन्हें समझाया
कि देखिए आप परिस्थिति को समझिए। माता कैकेयी ने जिस भी कारण से, देव कारण से या अन्य कारण से, महाराज के साथ धोखा तो किया है। महाराज बहुत टूट गए हैं, बहुत रो रहे थे, बहुत दुखी थे। अब वो महाराज भी दुखी हैं, टूटे हुए हैं, माता कैकेयी ने उनके साथ धोखा कर लिया है। ऐसी हालत में आप उनकी पत्नी होके, आप ज्येष्ठ पत्नी हैं, आप उन्हें नहीं संभालेंगी, आप उनकी सेवा में नहीं रहेंगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो बहुत कठिन हो जाएगा उनके लिए। और पत्नी के रूप में पहला आपका धर्म जो है वो अपने पति के प्रति, मैं बाद में आता हूँ, पुत्र बाद में है, आपको पहले अपने पति का ध्यान करना है। हाँ, कोई विधवा स्त्री होती है तो पुत्र के साथ रहती है, पुत्र के साथ चलती है, ये मान्य है और ये होना भी चाहिए। लेकिन आप तो, आपके पति हैं, अभी महाराज हैं और आपको महाराज की सेवा करनी है, तो आप यहाँ रहें और महाराज का ध्यान करें। जब राम ने इस तरह की बात कही तो माता कौशल्या मान गई, बोले ठीक है, मैं तुझे आज्ञा भी दूंगी, तुझे आशीर्वाद भी दूंगी, तेरा स्वस्ति वाचन करा के तुझे विदा करूं। तो अब ये माता जी ने आशीर्वाद दिया तो क्या कहा, कैसे दिया आशीर्वाद, क्या कह करके विदा किया उनको? बहुत, ये तुम पूछ रही हो ना, बहुत सही पूछ रही, आजकल हम लोग को आशीर्वाद देना ही नहीं आता। मैंने देखा है, मेरे कुछ बुजुर्ग लोगों को देखा है, उनके पांव छुओ बोलते थैंक यू। कुछ लोग इतने हो जाते हैं, बोलते बेस्ट विशेस, ये ठीक रहो। इससे ज्यादा हम आशीर्वाद देना भूल चुके। एक और कॉमन है, मैं जोड़ना चाहूंगी, गॉड ब्लेस यू, मतलब इससे ज्यादा तो बोल ही नहीं सकते। तो ये अब आप देखिए कि माता कौशल्या, जो मैंने कहा विदुषी थी, उन्होंने इतना तर्क किया, अगर कोई विदुषी नहीं होती तो तर्क नहीं कर सकती थी राम के साथ। अब उन्होंने बहुत विस्तार से आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में पहली बात उन्होंने रक्षा के लिए आशीर्वाद दिया और उन्होंने प्रत्येक देवता का आह्वान किया कि ये देवता मेरे पुत्र की रक्षा करें, ये देवता मेरे पुत्र की रक्षा करें, तुम्हारी रक्षा करें, यम रक्षा करें, दिशाएं रक्षा करें, यहां तक कि जो हिंसक पशु हैं जी, वो भी तुम्हारे प्रति कल्याणकारी हो जाएं और तुम्हारी रक्षा करें। सबका नाम ले लेके यम रक्षा करें, ऋषि रक्षा करें, सब तरफ से रक्षा का आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी रक्षा हो। दूसरी बात उन्होंने मंगल का आशीर्वाद दिया, कहा कि जिस प्रकार जब सहस्रभुजाधारी इंद्र वृतासुर के वध के लिए निकल रहे थे और उनको सबने आशीर्वाद दिया था, वो सारा मंगल तुम्हें मिले, जो जब अमृत लाने की इच्छा करते हुए गरुण निकला था और उसकी माता ने जो उसको मंगल आशीर्वाद दिया था वो तुम्हें मिले। उन्होंने कहा कि जब तीन पग बढ़ाते हुए विष्णु को जो जो मंगल प्रशंसा मिली थी वो सब तुम्हें मिले, ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोग और दिशाएं तुम्हारा मंगल करें। और फिर कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण हो और तुम जब लौटो तो रोग रहित लौटो, बिना किसी रोग के लौटो, अरोग, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होते हुए लौटो, तुम सर्व सिद्धार्थ, सब प्रकार से सिद्धियां प्राप्त करके लौटो, और जब तुम लौटोगे तो राजपथ पे जब तुम आ रहे होगे, तुम्हें देखकर मैं प्रसन्नता प्राप्त करूंगी, तुम्हारा स्वागत करूंगी और मैं उस क्षण की प्रतीक्षा करूंगी। और अंत में उन्होंने कहा कि
तुम लौटने की टोगे तो तुम अच्छे वस्त्रों से, अच्छे अलंकारों से, अच्छे आभूषणों से सुसज्जित होकर सदा मेरी प्यारी बहू सीता की मनोकामनाएं पूर्ण करो। उसको ये कहने के बाद माता कौशल्या ने उन्हें टीका लगाया, उन्हें चंदन रोली से उनका अभिषेक किया, उन्हें गले से लगाया, उनकी परिक्रमा की, उनके मस्तक को सूंघा और हाथ से उनको पूरी भावनाओं से उन्हें आशीर्वाद दिया। राम ने भी अपनी माता कौशल्या के चरणों को दबाया और फिर उनसे विदा ली। ये अनिल जो जो आपने लास्ट आखिरी बात कही कि उन्होंने अपने बहू को बेटे को प्रेरित किया बहू का ख्याल रखने के लिए एक तरह से, ये बहुत ही अनोखी बात कही आपने और ये हम सब के लिए सीखने वाली बात है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।